गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज आप स्वाध्याय 4.1 में प्रश्न नंबर 2 में आगे वजिए। प्रश्न नंबर 4 में पेलो एवं कहे कि शू कहवा कि परिस्थितिओं ने द्विघात समीकरण मतलब कूट प्रश्नों तमने आपेला है द्विघात समीकरण स्वरूपे दर्शावा है। यहाँ पेलो प्रश्न, जमीन टुकड़ा क्षेत्रफल जे लंबचोरस है जेनु क्षेत्रफल 528 है, लंबाई पहोळाई बमणा कीधु को बमणा पहोळाई बमणा कीधु धारवा को पहोळाई ने तो धारी लीए। धारो कि जमीन लंबचोरस टुकड़ो है तेनी पहोळाई केटली है 1 मीटर। हम कीधु कि लंबाई पहोळाई बमणा थी एक वधु, पहोळाई बमणा थी एक वधु एटले लंबाई केटली थाय जुओ, पहोळाई बमणा एटले 2x अने एक वधु एटले +1। हवे लंबाई पहोळाई बने मळी गई, हवे तमने क्षेत्रफळ आपेलुं छे, लंबचोरसनु क्षेत्रफळ केटलुं छे 528। एनुं सूत्र शुं आवे, लंबाई गुणा पहोळाई, लंबाई केटली 2x + 1, पहोळाई केटली छे आपणी पासे x। हवे x ने अंदर गुणीए 2x जोड़े ने पछी 1 जोड़े तो केटला थशे 2x² + x। हवे 528 आ बाजू आवे तो केवा थई जाय -, एटले 2x² + x -528 = 0। आ समीकरण से द्विघात समीकरण स्वरूपनु है जेनो आपणे प्रमाणित स्वरूप क्यों आए x² + bx + c, मतलब आ द्विघात समीकरण है। प्रश्न नंबर 2 पर जाइए। प्रश्न नंबर 2 एम एम कहे कि कोई एक पूर्णाक है क्रमिक धन पूर्णाको है, केवा क्रमिक क्रमिक धन पूर्णाको हो, कोईपण क्रमिक लो तो पेलो 3 हो तो बीजो 4 ज हो, पेलो 19 हो तो बीजो 20 ज हो। शू काम के आपणे एनो आगळनो क्रमिक मेळवो तो शू करिए +1 करवो ज पड़े। तो आपणे धारी लईए कि प्रथम क्रमिक पूर्णाक कयो छे x, और पेलो x हो तो बीजो क्रमिक कयो होवानो x + 1। एवो बन्नेनो गुणाकार तमने आपेलो छे केटलो छे 306। बन्ने ना गुणाकार एटले x * x + 1 = 306। एक्स ने अंदर गुणो एटले 1² अने 1 जोड़े गुणो एटले x, अने 306 आ बाजू एवं केवा थई गया -0। आ समीकरण जो आवी गयो द्विघात समीकरण, एटले आ समीकरण केवुं कहेवाय द्विघात समीकरण। हवे प्रश्न नंबर 3 एमां एवुं कही छे कि रोहननी माता तेना करता 26 वर्ष मोटा छे, कोने करता रोहन करता, रोहन करता कीधा तो रोहन की उम्र आपणे धारी लईए 1 वर्ष। धारो कि रोहन ने हाल की उम्र केटली छे 1 वर्ष। रोहन की माता रोहन करता 26 वर्ष केवा छे मोटा, तेनी माता की उम्र शू थाय 1 + 26 वर्ष। हवे 3 वर्ष पछी कीधु, हवे पहला हाल की उम्र केटली छे रोहन की 1, हवे 3 वर्ष पछी एटले 1 + 3, एनी माता नी उम्र अत्यारे केटली छे 1 + 26, 3 वर्ष पछी केटली थशे 1 + 29। हवे बन्नेनो गुणाकार आपेलो छे जे अत्यारनी जे उम्र मळी आपणने, ए बन्नेनो गुणाकार केटलो आप्यो 360। बन्नेनो गुणाकार एटले 1 + 3 × 1 + 29 = 360। हवे एक्स ने गुणीए पेला 1 जोड़े पछी 29 जोड़े एटले 1² + 29 x, पछी 3 ने गुणो बन्ने जोड़े 3 ने x जोड़े एटले 3x, अने 29 तेरी केटला थाय 87, અને 360 આ બાજુ વાત કેવા થઈ ગયા -0। હવે 1² + 29 ને 3 = 32x, હવે 360માંથી 87 જાય એટલે 273, અને મોટા 360 છે તો એની નિશાની એટલે -3 273 = 0। જો આ સમીકરણ x² + bx + c સ્વરૂપનું છે એટલે આપેલું સમીકરણ પણ કેવું કહેવાય દ્વિઘાત સમીકરણ। હવે પ્રશ્ન નંબર 4 પર જઈએ, એમાં શું કહે છે, कोई एक ट्रेन है जे अचल झड़पे दौड़े और 480 किमी अंतर कापवा है। जो अत्यारे झड़प आप एक्स लई लीए तो पछी एनी 8 किलोमीटर प्रति कलाक झड़प घटाड़िए तो 3 कलाक समय केवो लगे वधारे, स्वाभाविक है जेम झड़प आप घटाड़िए एम समय केवो जोईए वधारे, जेम झड़प ओछी एम समय वधारे, समय वधारे एम झड़प ओछी। हवे जो धारी लई के धारो कि ट्रेन की अचल झड़प केटली छे 1 किलोमीटर प्रति कलाक, तो कापवानुं कुल अंतर 480 किलोमीटर। हवे तमारे विज्ञान में आवे छे आ सूत्र के समय बराबर अंतर भांग्या झड़प। हवे आपणे तो समय साथेनो संबंध मेळवानो छे, तो हवे जो हवे धारी केटली एक्स झड़पने 480 किमी अंतर कापी, तो एक्स झड़पे 480 किमी अंतर कापता लागतो समय आपणे T1 लईए बराबर झड़पनुं सूत्र, समयनुं सूत्र अंतर भांग्या झड़प, अंतर 480 अने झड़प केटली छे एक्स एटले 480 ना छेदमां x। હવે જો હવે ઝડપ 8 કિલોમીટર શું કરવાનું છે ઘટાડવાની છે, એટલે નવી ઝડપ કઈ આવે x - 8, x - 8 ઝડપે 480 કિમી અંતર કાપતા લાગતો સમયને આપણે T2 કહીએ,
टी टू बराबर सूत्र अंतर भाग्या झड़प, अंतर 480। हवे झड़प आपणी नवी कई छे एक्स माइनस आठ, एटले 480 छेद में एक्स माइनस आठ। हवे समय तफावत तमने आपेलो छे केटलो छे 3 कलाक, समय तफावत केटलो है 3 कलाक। एटले जो अहींया पहेला जोवानो आपणे कयो समय वधारे छे ई। हवे जो जेम झड़प घटे एम झड़प समय शुं थाय वधे, तो अहींया जो झड़प केवी छे ओछी छे, मतलब आ टी टू केवो होय छे मोटो हशे, टी टू टी वन करता केवो होय मोटो, एटले शुं थशे जो टी टू माइनस टी वन बराबर 3, एटले जे मोटो होय एमांथी नानो शुं करीए बाद, टी टू माइनस टी वन बराबर 3। टी टू केटलो हशे 480 छेदमां एक्स माइनस आर, माइनस टी वन केटलो हशे 480 छेदमां एक्स बराबर 3। અહીંયા ચોકડી ગુણાકાર કરીએ આપણે, એક્સ અહીંયા ગુણાય એટલે 480 એક્સ, અહીંયા ગુણાય એટલે 480 કૌંસમાં એક્સ માઇનસ આઠ અને છેદમાં એક્સ એક્સ માઇનસ આઠ બરાબર 3। હવે ચોકડી ગુણાકાર કર્યો, હવે સાદરૂપ આપીએ જુઓ, હજો 480, 480 અંદર ગુણા એક્સ જોડે એટલે 480 એક્સ અને માઇનસ માઇનસ પ્લસ, અને 480 ગુણ્યા 8 કરો એટલે કેટલા આવશે 3840, અને છેદમાં પણ એક્સને શું કરીએ બંને જોડે ગુણીએ એટલે એક્સ ગુણાય એક્સ એટલે એક્સનો વર્ગ માઇનસ 8 એક્સ બરાબર। હવે જો અહીંયા તો 480 480 એક્સ કેન્સલ, એક પ્લસ અને એક માઇનસ, એટલે ઉપર કેટલા આવી ગયા 3840, 3 ક્યાં આવી ગયા છેદમાં, આ ક્યાં વયું ગયું ઉપર, એટલે આ 3 આવી ગયા છેદમાં ને આ ક્યાં વયું બરાબરની આ છે એટલે એક્સનો વર્ગ માઇનસ 8 એક્સ, 3840 ભાગ્યા 3 કરો તો કેટલા આવશે 1280 બરાબર એક્સનો વર્ગ માઇનસ 8 એક્સ, 1280 આ બાજુ જવા દો કેવા થઈ ગયા માઇનસ, એટલે એક્સનો વર્ગ માઇનસ 8 એક્સ માઇનસ 1280 બરાબર 0। આ સમીકરણ જો એક્સનો વર્ગ પ્લસ બી એક્સ પ્લસ સી સ્વરૂપનું છે, એટલે આપેલું સમીકરણ કેવું કહેવાય દ્વિઘાત સમીકરણ। થેન્ક યુ વેરી મચ।